जी, मैं गया था मेहमान को छोड़ने, तो छोड़ के आ चुका हूँ, तो वीडियो में नहीं आते, तो इसलिए छोड़ने गया हूँ। तो मैं आप चलता हूँ, सब्ज़ी लेता हूँ, सब्ज़ी ले कर ना फिर आपको दिखाएंगे तो सब्ज़ी क्या लेनी है, तो क्या पकाएंगे, तो इसलिए आप चलते हैं। ये जैसे सेकमोटर रेडी है, ये सेकमोटर है, तो इसकी चाबी है, सारा रेडी है, तो चलते हैं, सब्ज़ी लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी हम सारे दूरा ले लिए, ये देखें जैसे कमरा रेडी है, तो आप चलते हैं घर, तो घर जाके फिर पकाएंगे, तो फिर आपको दिखाएंगे। ठीक हो गया, रहना हमारे साथ साथ। पहुँच गए घर, तो चाबी ये है, तो ये सब्ज़ी, सब्ज़ी उठा के फिर चलेंगे घर और अम्मी के पास, तो अम्मी को देंगे, तो फिर अजाना हो रही है, अजाना हो जाए फिर इंशाल्लाह। ये सब्ज़ी अम्मा को दे आया हूँ, तो अजान हो चुकी है, नमाज पढ़ ली है, तो अभी ये देखिए ये रख दिया है, तो फिर ये खोलते हैं, पानी पीते हैं, पानी पी के ना फिर जो भी होगा फिर आपको शेयर भी करेंगे। पानी पी लिया है, तो आप चलते हैं, तो सब्ज़ी काटते हैं, तो आपको दिखाएंगे। तो पानी पी लिया है, पानी छानी पी लिया है, आप चलते हैं, सब्ज़ी काटते हैं, सब्ज़ी काट के ना फिर आपको। जी अम्मी छेल रही है, ये क्या होते हैं? ये सावी तोरी, सब्जी तोरी। हाँ जी, सब्जी तोरी छेल रही है। आज हम बना रहे हैं सब्जी तोरी। हाँ जी, फिर बनाएंगे, फिर खाएंगे। हाँ जी, आपको भी दिखाएंगे। हाँ जी, ये देखिए जी, इस्लामुद्दीन और हैदर अली। हैदर अली क्या कर रहे हो? क्या क्या कर रहे हो? इस्लामुद्दीन क्या हाल है? क्या कर रहे हो? किसके साथ? अदर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अदर भाई के पास पहुँच चुके हैं। अदर भाई, अहमद का कोई पता? पहले तो वालेकुम सलाम भाई जान, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है यार। परेशान भाई जान, जो अहमद का पता है ना, तो इंशाल्लाह मैं आज का जो ब्लॉग बनाऊंगा ना, उसमें नहीं यार, मुझे तो बताओ ना, मैं आपको उसको ढूंढने के लिए ही निकला हूँ यार, मेहरबानी करके अपना मेरा व्लॉग देखना, इंशाल्लाह मैं उसमें आपको बता दूंगा। चलो फिर हम ढूंढ रहे हैं, चलो मैं अपनी मर्जी से ढूंढता हूँ, आप नाम बताएं। गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है, आप शदीद गर्मी में निकला हुआ हूँ उसको सिर्फ पकड़ने के लिए, सिर्फ पकड़ने के लिए। अभी थाने में जाता हूँ, दो कांस्टेबल लेता हूँ, बात तो सुने। कल के वो व्लॉग में कह रहा था कि मुझे ना साथ जाने पुलिस के आ गए, तो वो फोन लेके गया था, वो मैंने उसका व्लॉग देखा कल रात वाला, तो कह रहा था कि साथ डाले ना पुलिस के आ गए, वो तो जब आपको पता नहीं अहमद का, पुलिस कैसे पहुंच गई वहाँ पे? यार मैंने तो नहीं पुलिस भेजी ना, क्या पता उसके ससुर ने भेजी है, उसकी वाइफ ने भेजी है, किसने भेजा है? अच्छा, हाँ जी, तो मैंने नहीं भेजी, मैंने नहीं भेजी अभी तक, लेकिन अब उसको ढूंढने निकला हूँ। मेरा आपके तवस्सुल से पैगाम जा रहा है अहमद भाई को ना, कि भाई जान आप मेहरबानी करें, जहाँ भी हो ना आप वापस घर आए। बिल्कुल, और इंशाल्लाह जो बैठ के ना, जो ये घर का मामला है, चला बैठ के घर हल कर, सारे भाई बैठ के इस मामले को देखते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है जी, ये अच्छी बात नहीं है जो आप कर रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए मैं ढूंढ रहा हूँ। आप भी अगर आप कहें उसको वीडियो में, कहें अगर वो वीडियो देख रहा है तो मेहरबानी करें। हाँ, मैं आपके तवस्सुल से, आपके चैनल के तवस्सुल से उस अहमद भाई को कह रहा हूँ, अहमद भाई आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो बराए मेहरबानी आप घर वापस आ जाए, जो भी मामला आता है ना वो बैठ के हल कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो मैं आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बात अगर भाई इस बात पे जोर लगाना है कि इसकी सुलह हो जाए, जो काम गलत कर रहा है ये ना हो पाए, हमारी पूरी पूरी आप उसकी सपोर्ट ना करें। बिल्कुल, आप उसके खिलाफ, अगर वो दूसरी शादी करते हैं तो हम उससे ना अपना ताल्लुक ला ताल्लुक कर लेंगे, हम उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। गुड हो गया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड हो गया जी। हम तो निकले थे अहमद दीन को ढूंढने के लिए, ठीक है ना, उसको घसीटने के लिए, लेकिन अभी जो है गर्मी की वजह से हबस महसूस हुई, तो हम आ गए कोमल आइसक्रीम खानपुर पे, यहाँ बैठ के जो है कोमल आइसक्रीम खाते हैं, या मुंशी भी साथ है, असलम भाई भी साथ हैं, तो करें यार सर्विस तेज़ है इनकी, बोलें भाई को जी। तो मैंने अभी अभी भाभी सभा की जो है वो वीडियो देखी है, वो कह रहे हैं कि अहमद का आज निकाह है, तो करके दिखाया अहमद निकाह कैसे करता है। आज मैं उसी की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ, गाड़ी मेरे पास है, और जो है उसको मैं ढूंढ के ही रहूँगा, और निकाह कैसे करता है ये भी उसको मैं बताऊँगा कि किस तरह तुमने निकाह करना है, और तरीक़ाकार मैं उसको बताऊँगा सही तरह से, ठीक है ना। अभी तक तो मैं खामोश रहा, लेकिन अब खामोशी तोड़ना पड़ेगी और कुछ वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, ढूँढना पड़ेगा इस बंदे को। तो बाकी भाभी साहब आप परेशान ना हों, मैं आपके साथ हूँ, मरते दम तक साथ हूँ, और मैं इसका निकाह तो मैं नहीं होने देने वाला बिल्कुल भी,
क्योंकि ये जब मुझे मिल गया ना तो देखना भी इसका असर क्या होता है। ठीक है, तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ना ही कोई ऐसा मसला होगा और ना ही मैं होने दूंगा, क्योंकि असलम भाई भी मेरे साथ हैं और मैं भी साथ साथ जो है उसका जो है ढूंढने में हमें पता चला है कि वो कहाँ पे है, हम पता जा रहे हैं। ठीक है जी, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, तमाम बहन भाई आपके साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ और तमाम फैमिली जो है वो आपके साथ है, ये मुंशी हमारा जो है ये भी आपके साथ है और अम्मी अबू भी मेरे साथ हैं, उनसे बात हो चुकी है, वो भी मेरे साथ हैं। तो ये अहमद अब रह गया अकेला, इसको मैं देखता हूँ कि किस तरह निकाह करता है। अगला जो है मेरा मौका, जब अगला डिसीजन जो मैंने लेना है वो फिर जब लूँगा तो साहब देखेंगे कि इसका क्या असर क्या है इसने। ठीक है जी, और जो है मेरी एक वकील से बात हुई, उन्होंने कहा कि कोर्ट में जो है वो अपनी भाभी की तरफ से ना रिट दायर करें, उनको ले जाएं कोर्ट, वहाँ पर जो पहली बीवी की इजाज़त के बगैर ये नहीं कर सकता, ये कानून नहीं है, औरतों के कानून जो है बहुत बड़े सख्त कानून हैं। तो मैं इसको अदालत लेके जा रहा हूँ और इसके खिलाफ दरख्वास्त दे रही है, खुदा ना खास्ता निकाह अगर ये कर लेता है, पहले तो नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, मेरी कोशिश है, अगर ये निकाह कर लेता है तो ये जेल की हवा खाने ज़रूर जाएगा और उतने दिन तक जेल में रहेगा जब तक कोई नई नए निकाह को या नई शादी को तलाक नहीं दे देगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है भाभी जी और तमाम बहन भाइयों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसके जो है अब कदम जो है नाप रहा हूँ इस बंदे के। ठीक है, अब मैं इसकी कड़ी सज़ा इसको दिलवाऊँगा कि जो है ये फिर रोएगा तो रो ना सकेगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला बहन भाई घबराए नहीं और स्पेशली भाभी सबा आपने बिल्कुल नहीं घबराना। मैं घर पहुंच चुका हूं, उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन थोड़ा सा सुराग मिला तो है, लेकिन मैंने के कुछ बंदों को जो है ज़िम्मे वहाँ पर लगा दिया है कि आपने इस पर निगरानी करनी है और इस तरह का कदम उठाने वाला है बंदा, वो भी हैं अपने शहर में कोई रिश्तेदार हैं, उनको मैंने बताया है कि उसका ख्याल रखना है और उसका जो है देखें जब वो कोई मामला कर रहा है इस तरह की। मुझे कोशिश भी यही है और उम्मीद भी यही करता हूं कि ये जो है निकाह नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी चूरत ही नहीं है कि ये निकाह करे दूसरा। ठीक है जी, तो इसको वापस आना होगा और यहां पे जैसे पहले रह रहे थे भाभी मेरी के साथ सबा के साथ, तो उस तरह उसको ही रहना पड़ेगा वरना उसके लिए अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मैं जो है उसकी खातरी के लिए बैठा हूँ, उसकी जो बस मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकता, ब्लड प्रेशर की कम करने के लिए मैंने गोली खा ली है, तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला, सब ठीक हो जाएगा। सब बहन भाई दुआ करें, हमारी पूरी कोशिश है कि सबा के साथ जो है इंसाफ किया जाए। तो थोड़ी देर तक फिर मैं ना निकलता हूँ दोबारा, तो सबा को ले जाता हूँ साथ में, तो ना वो जाके ना दरख्वास्त देते हैं अदालत में, बेस तरह का मामला है बंदे को उठाएं और जो हुक्म है उसको हुक्मनामा जारी करें कि वो निकाह नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। और ये बंदा जो है ख़ुद को क्या समझने लग गया, जब पैसा आ गया है तो उसके हवास वक्त हो गए हैं, बहुत अकड़ आ गई है, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, मैं वैसा करके दिखाऊँगा, आप कोई रोक के दिखाओ, ऐसा है वैसा है, सब जो है ना इसमें मगरूरियत वाली सारी बात है इस अहमद में। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसके इरादे नाकाम करके इसको पकड़ के यहाँ पे घर में इसको कैद कर देना चाहिए और उसको जो है भाभी से माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है जी, तो वो माफ़ी मांगेगा इंशाल्लाह ताला और जो है इनकी ज़रूर इंशाल्लाह हम सुलह करवाएंगे, वो जिस तरह से भी होगी वो करवा के रहेंगे। ठीक है, तो आप बहन भाई उन्हें हमारा साथ देना है जैसे साथ दे रहे हैं और मज़ीद भी हमारा साथ दें ताकि हम उसको जो है पकड़ सकें, उसके साथ मतलब के बैठ के गुफ्तगू कर सकें, मिल बैठ के इस मसले का हल भी कर सकें। दुआ कीजिए इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि जब अल्लाह पाक करम फरमाएगा और ये जो चालें चल रहा है और ये जो निकाह की जो बात चल रही है और दूसरी शादी का जो प्रोग्राम इसने बनाया हुआ है सारा प्रोपेगेंडा इसका हमने ख़त्म कर देना है इंशाल्लाह ताला। तो ये इंशाल्लाह ताला हमारी प्यारी भाभी सबा के साथ होगा इंशाल्लाह ताला
और हम सबा भाभी के साथ हैं, साथ रहेंगे इंशाल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी जब तक हम जिंदा हैं। तो उसको ये गलत काम हरगिज़ नहीं करने देंगे। अहमद दीन को पकड़ेंगे और बिठाएंगे पंचायत में, अपने घर में सब मिल बैठ के इंशाल्लाह ताला मसले का हल सोचेंगे। क्या रहने बरदार? ठीक ठाक ठाक हो? तबीयत से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बहन भाइयों में बड़ा ढूंढा, पूरा शहर छान मारा, वो दीनपुर क्या, वो खानपुर क्या, वो रहीम यार क्या, वो लियाकतपुर क्या, वो खान बेला क्या, वो दूसरा सात का बाद से मैं हो के आ गया, कहीं भी जो है बंदा नहीं मिला अहमद। तो मैं थक हार के ना काफ़ी परेशान हो चुका हूँ और मैं बहुत थक चुका हूँ। गर्मी बहुत है, हबस भेजा है, कोई हवा नहीं चल रही। मैं इंतहाई मजबूर हो के आपसे बात कर रहा हूँ कि यह ड्रामा नहीं है, यह हकीकत है। मैं उनको ढूंढ ढूंढ के जो है आया हूँ, कहीं नहीं मिला करा भाई। तो जल्दी करो अपना नंबरदार वो करो ना, वो पानी पानी पिलाओ। ओए क्या हो गया? ओए मुखलिस भाई, ओए मुखलिस भाई, अक्रम अक्रम भाजा भाजा, मुखलिस भाई को कुछ हो गया यार। क्या हुआ? पता नहीं, बिस्तर पे ले जा, वो खटड़े पे ले जा, पानी ले आ, लंबरदार पानी ले आ, पानी ले आ। ये ले जी पानी, ना पिलाना नहीं चाहिए यार, बोलते हैं कि ऐसे छिड़कना चाहिए। गर्मी लग गई है, ये लगता है ऐसा है, गर्मी लग गई। हेलो मुखलिस भाई, हेलो हो गया भाई? भाई नहीं मिला, नहीं मिला भाई, नहीं मिला। ओए मिल गया है, ओए मिल गया है भाई। पानी डाल यार, पानी पानी डाल, पानी डाल, बहुत सारा डाल, सार में भी डाल। पानी पी लो, पानी पानी डाल दिया भाई, नहीं पानी पी ले भाई, कहीं नहीं है भाई, कहीं पानी पी ले, पानी पी ले भाई, नहीं पी ले, पी ले पी ले पी ले भाई, नहीं मिला। उठ के बैठ जाओ, उठ के उठ के बिठाते हैं ना, फिर पानी पिलाते हैं। ये ले भाई पानी, कह रहा है क्या हुआ? हमें को ढूंढने गया था, चलें सो जाएं, सो जाएं, आराम करें, सो जाएं। क्या ठीक है तुम्हें? क्या ठीक है? आपको बुलाया है ना, इसीलिए कैसे वगैरह बनाते ना, जो ठीक है पिलाओ। बाकी उल्टी में तबीयत क्यों है? चलो चलो पानी दे, पानी होगा सही, पानी पिलाया है, पानी होगा सही, कैल्शियम वाला पानी बना, ठीक है कैल्शियम वाला पानी बनावा यार, बड़ा ठीक है कैल्शियम वाला पानी, ठीक है बिल्कुल ठीक। सारा पिवड़े
पीने को लेकर आ रहे हो, ठीक है? तो जब फोन करो पक्का लगाओ ना, इतना गर्मी को ज़्यादा है, बिजली है, पक्का लगाओ, पक्का पक्का इतना कर लो, याद करो पक्का चाहते चलो। बिजली नहीं है, चलो पक्का दे। नंबरदार अंदर पंखा लटका हुआ है दीवार में, बोल जाओ। ठीक है जी, देखिए ये है पंखा, ये पंखा लेके जा रहा हूँ जाके ना। ये ले जी पंखा, पैरों में जग लगी है डॉक्टर साहब, फिर ठीक है, पैरों में जग है, फिर ठीक है, ठंडी से थोड़ा आपसी आ रहे। प्यारे बहन भाई और मुखलिस साहब जो हैं, अहमद भाई को तलाश करते करते गर्मी में दिखते रहे हैं, और जब वापस आए हैं तो अचानक ही बेहोश हो गए। डॉक्टर साहब को बुलाया है, अभी आपके सामने हैं, ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये मसले मसाइल मैं दरवाजे से इंटर हुआ हूँ, अल्लाह साहब मैं इंटर हुआ हूँ, नंबरदार ने कैमरा खोला, बिजलो बना लिया, बाबा ने मैं कॉल तो ना ही रहा था कि कोई पता नहीं बचा। सही है मुखलिस साहब, ओके हैं, ओके, टेंशन नहीं लेनी बस।